तो गाइस यार आज डिजिटल दुकान एप्लीकेशन को लूटने वाले हो। अनलिमिटेड स्क्रैच कार्ड की ट्रिक दूंगा यहाँ पे, आप मेरे स्क्रीन पे देखो, 10-10 रुपए करके यहाँ पे स्क्रैच कार्ड लूटने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे जैसे स्क्रैच कार्ड करूंगा ना, यहाँ पे स्क्रैच करता हूँ, देखो गाइस यहाँ पे देखो 10 रुपए निकाल गया देखो। तो गाइस यहाँ पे सेकेंड बार मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखो गाइस, इसे मैं सिंगल टैप करके यहाँ पे देखते हो 10 रुपए मिल गया। तो गाइस देखो 10 रुपए मिल गया गाइस आपके सामने, यहाँ पे देखो लूट, देखो गाइस यहाँ पे 10-10 रुपए करके लूटने वाले हो, जितना हो सके उतना लूटोगे। गाइस यार वीडियो को पूरा देखो, आपके सामने यहाँ पे मैंने 10-10 रुपए करके देखो, यहाँ पे मैं स्क्रैच करता ही जा रहा हूँ, ऊपर देखो पैसा भी बढ़ता ही जा रहा है, ऊपर भी ध्यान देना ठीक है। बाद में बोलोगे यार एक ही स्क्रैच कार्ड बार बार दिखा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखो 10-10 रुपए करके कितना सारा यहाँ पे मैंने लूट लिया, और भी लूट मिलेगा, कैसे मिलेगा यार सब कुछ वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को यार पूरा देखो मेरे भाई, तभी समझ पाओगे। तो गाइस डिजिटल एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना ठीक है। डाउनलोड करके जो इसका साइनअप प्रोसेस है, कैसे क्या करोगे, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ ना, वो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में सिंपली आप सबसे पहले मेरे स्क्रैच कार्ड देख रहे हो ठीक है, अभी 265 रुपये ऊपर है ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे में 4 स्क्रैच कार्ड पड़ा हुआ है ठीक है, और यहाँ पे नीचे देखे तो 10-10-10-10-10-10 करके यार बहुत बार यहाँ पे मैंने लूट लिया ठीक है। आप भी लूटने वाले हो, ये वीडियो पूरा देखो ठीक है गाइस, ये वीडियो पूरा देखो, 10 रुपये करके लूटने वाले हो, जितना हो सके उतना लूटने वाले हो ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक स्क्रैच करके मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, देखो 10 रुपये ठीक है, देखो फिर से यहाँ पे 10 रुपये मिल चुका है। अब आप ऊपर ध्यान दो ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे बैक करता हूँ, तो एक मिनट यहाँ पे 10 रुपये आपको भी मिलेगा ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा नेट यहाँ पे स्लो चल रहा है ठीक है, यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा वेट करते एंड ऊपर हमारा पैसा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं ठीक है। तो गाइज हो गया देखो, ऊपर देखो 275 हो गया एंड हमारे पास अभी 3 स्क्रैच कार्ड है ठीक है। तो अभी मैं आपको ट्रिक अप्लाई करके बताऊँगा और 3 की जगह 4 स्क्रैच कार्ड हो जाएगा ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आपको करना क्या है ठीक है, यहाँ पे आपको करना क्या है सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे कुछ नहीं करना होगा, जो करना है सिंपली आपके फ़ोन से ही करना होगा ठीक है। तो यहाँ पे सेटिंग पे आओगे, आने के बाद यहाँ पे रेफर एंड पे क्लिक करोगे ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि फ्रेंड को रेफर करना पड़ेगा, तो गाइस रेफर नहीं करोगे, जो कुछ भी होगा अपने फ़ोन से ही होगा ठीक है। यहाँ पे देखो आप, खाली यहाँ पे देखो, सिंपली छोटा सा प्रोसेस है, 5 मिनट का टाइम लगेगा ठीक है। यहाँ पे आपको खाली 5 मिनट का टाइम दोगे और हर 5 मिनट में एक एक स्क्रैच कार्ड को लूटने वाले हो। थोड़ा सा टाइम तो यार देना तो होगा ही, क्योंकि यार पैसा कमाना ना कोई आसान बात नहीं होता, थोड़ा सा टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा ठीक है। जैसे यहाँ पे अपना लिंक व्हाट्सएप या कहीं पे भी शेयर करके या फिर कॉपी करके पेस्ट कर देना ठीक है, अपना जो रेफर का लिंक है ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे लिंक को यहाँ पे पेस्ट करोगे ना व्हाट्सअप, मेरा ही मैं यहाँ पे नहीं आ रहा है, नेट स्लो चल रहा है यार, इस वजह से नहीं हो रहा ठीक है। तो जैसे लिंक को पेस्ट करोगे ना, तो अब आपको क्या करना होगा, डिजिटल दुकान ऐप को कर देना होगा अनइंस्टॉल ठीक है, यहाँ से अनइंस्टॉल कर दोगे ठीक है। अनइंस्टॉल करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, अब आपको ये एप्लीकेशन चाहिए ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे जो बिया ब्रोजर है ना, जो आपने देखा वो एप्लीकेशन चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, जहाँ पे अपने व्हाट्सएप या जही कहाँ जहाँ पे भी अपने अपना जो लिंक शेयर किया था ना, रेफर का लिंक, वो लिंक आपको कॉपी कर लेना होगा ठीक है। यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिंक ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे देखे तो लिंक इस तरीके से कॉपी कर लेना होगा ठीक है। लिंक को कॉपी करने के बाद अब आपको ये जो विया ब्रोजर है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना होगा, मेरे टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा ठीक है, जाके डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद जैसे ओपन करोगे ना, ओपन करने के बाद यहाँ पे सिंपली उस लिंक को कर देना होगा पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद सर्च पे क्लिक करोगे ठीक है। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होगा, लोडिंग होने के बाद आपके सामने ऐसा विंडो आ जाएगा, ओके पे क्लिक करोगे, नीचे शो रहा है, एंड रीडायरेक्ट प्ले स्टोर पे हो जाओगे ठीक है। फिर से यहाँ से आपको कर लेना होगा इंस्टॉल। तो गाइस मैं फटाक से इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ एंड आगे आपको मैं बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पे इंस्टॉल मैंने कर लिया ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, इसे कर लेना होगा ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पे गेट स्टार्ट, यहाँ पे नाव पे क्लिक करोगे ठीक है, स्टार्ट नाव पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपना नंबर डालना होगा ठीक है। अब नंबर सोच रहे होगे, कोई सा भी फेक नंबर डाल दो, कोई सा भी फेक नंबर डाल दो, कोई मतलब नहीं है, खाली आपको OTP चाहिए ठीक है। कोई सा भी नंबर डाल दो, अपने पड़ोसी भाई बहन जो भी हो, फ्रेंड का जितना भी नंबर हो सके, खाली OTP ले सकते हो तो OTP ले लेना होगा आपको ठीक है। डालने के बाद यहाँ पे OTP देने के बाद आपको यहाँ पे अपना लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है ठीक है। वो लोकेशन सिलेक्ट कर देना, अलग वाला आता है दे देना होगा, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सबसे नीचे आना होगा, बैंक सिलेक्ट करना होगा ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो बैंक अकाउंट नहीं है ठीक है, तो कोई बात नहीं है, एक बैंक अकाउंट है ना जो अपने पर्सनल अकाउंट के लिए यूज़ किया है,
वो भी यूज़ मत करना। सिंपली मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे करना क्या होगा। यहाँ पे आपको कोई सा भी नाम, कोई सा भी फेक अकाउंट डाल देना होगा, ठीक है। कैसे डालना होगा मैं आपको बता रहा हूँ, कोई सा भी फेक अकाउंट डाल देना होगा, कोई सा भी एक नाम यहाँ पे फेक अकाउंट आपको डाल देना होगा, आपको अपने मेन अकाउंट में स्क्रीन कार्ड से मतलब है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नाम दे दिया एंड यहाँ पे आपको पेटीएम में डालने के लिए पहले आपको 91 डाल के फिर अकाउंट नंबर लिखना पड़ता है, यानी कि मोबाइल नंबर एंड आईएफएससी कोड आपको पता है, देख सकते हो यहाँ पे PYTM01234567, ठीक है। आप देख लेना वीडियो को पॉज करके। और अकाउंट नंबर होता है पेटीएम का 91 दोगे पहले और बाद में अपना मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर हो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल दोगे, ठीक है। ऐसा करके आपका अकाउंट नंबर हो जाता है एंड सक्सेसफुली जैसे यहाँ पे हो जाओगे ना तो आपके सामने यहाँ पे देखे तो एक मैसेज आ जाएगा जो कि इसमें बताया गया है कि आपका बैंक यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे नीचे ऐड हुआ प्रोडक्ट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने अपना अगर सही बैंक अकाउंट दिया तो आपके न्यू अकाउंट में तो स्क्रैच कार्ड मिलेगा ही, ठीक है। सबसे बड़ी बात यही है और आप जो आपका जो मेन अकाउंट है उसमें भी आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा। अगर आपने कोई फेक अकाउंट दिया तो भी कोई बात नहीं है, आपको ऐसे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फेक अकाउंट में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेकिन आपके जो रियल अकाउंट है ना उसमें स्क्रैच कार्ड आपको मिल जाएगा। और अगर अपने आपके पास बैंक अकाउंट है ना तो बैंक अकाउंट अगर आपने सही सही अपने आपका ही डाला या फिर फ्रेंड का डाला तो आपके फ्रेंड के अकाउंट में चला जाएगा, बाद में उससे पैसे ले लेना है होगा, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा राइस डाल के 100 लिख के यहाँ पे जैसे सेव पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा रिवार्ड का और इसे आपको क्लेम कर लेना होगा, ठीक है। क्लेम करने के बाद यहाँ पे आपके न्यू अकाउंट में देख सकते हो एक स्क्रैच कार्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच जैसे करोगे तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 6 रुपये न्यू अकाउंट में मिल चुका है, अगर आपने सही अकाउंट डाला है होगा। अगर आपके फ्रेंड ब्रेंड जो भी हो, माता पिता जो इसका भी डाला होगा उसके अकाउंट में चला गया है, बाद में उससे ले सकते हो, ठीक है। अगर फेक अकाउंट डाले हो तो कोई बात नहीं यार, अपने रियल अकाउंट में आपको पैसा मिल चुका है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, अब आपको यहाँ पे बैक आने के बाद अब आप इस एप्लीकेशन का क्लियर डाटा भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से। लेकिन उससे पहले अगर क्लियर डाटा नहीं करना चाहते तो एप्लीकेशन को ओपन करो, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको सेटिंग में आने के बाद इसे कर दो लॉग आउट, ठीक है। यहाँ पे नीचे लॉग आउट दिख रहा है, लॉग आउट कर दोगे, ठीक है। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे फिर से गेट स्टार्ट पे क्लिक करोगे, सॉरी स्टार्ट नाउ पे, एंड फिर से जो अपना रियल अकाउंट था ना, जो अपना रियल अकाउंट पहले वाला अकाउंट था उस अकाउंट का नंबर यहाँ पे डाल दोगे। डालने के बाद यहाँ पे OTP आ जाता है, ठीक है, अगर ऑटोमेटिक हो जाता है अगर सिम लगा होगा आपके फोन में। होने के बाद यहाँ पे आपका जो मेन इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना जो है माई रिवार्ड के ऑप्शन दिख रहा है ना यहाँ पे, उस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने यहाँ पे जो स्क्रैच कार्ड है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। किसी किसी केस में तुरंत से आ जाता है और किसी किसी केस में 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है और उतने देर में आ जाता है, लेकिन आएगा जरूर, मैं 100% गारंटी देता हूँ आएगा जरूर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो स्क्रैच कार्ड मुझे मिल गया, पहले 3 था और ऊपर बैलेंस भी देख सकते हो कि बैलेंस पहले कितना था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 10 रुपये मिल चुका है, यानी कि जो स्क्रैच कार्ड मेरे 3 स्क्रैच कार्ड पड़ा है ना, 30 रुपये का स्क्रैच कार्ड यहाँ पे पड़ा है सब में 10-10 रुपये करके, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ऊपर 285 रुपये हो चुका है, पहले 275 था ऐसा ही कुछ, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आप ऐसा करके यहाँ पे लूट सकते हो, आपके पास जितना नंबर है ना उतने नंबर से आप यहाँ पे स्क्रैच कार्ड लूट सकते हो, ठीक है। मैंने भी इसी ट्रिक को फॉलो करके यहाँ पे मैंने अपने माता पिता जो भी जितने घर में जितना भी नंबर है, मेरा पर्सनली खुद का 3 नंबर है ना, तीनों नंबर से मैंने लूट लिया। अभी एक नंबर से आपको लूट के दिखा दिया, मेरा ही नंबर था, ठीक है। उसमें बैंक अकाउंट नहीं था तो मैं ऐसे ही यहाँ पे डाल दिया था, बैंक अकाउंट फेक वेक डाल दिया था, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही डाल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस यार वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे लाइक जरूर कर देना, मेरे भाई चैनल में नए हो ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रख देना यार, तुम्हारा भाई इसी तरह का वीडियो लाता रहता है। अगर आपने डिजिटल दुकान का पहले वाला वीडियो नहीं देखा ना तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देख लेना, उससे भी आप न्यू अकाउंट में कैसे लूटोगे वो भी सीख जाओगे, ठीक है। तो न्यू अकाउंट में कैसे आईडी बनाओगे तो वो भी सीख जाओगे। तो गाइस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।